أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अलाह रब العالمین जो वो करम रहे असांजे मथां जो अलाह रब العالمین असांखे पंहिंजी ज़िंदगियुनि में रमज़ान मुबारक जो महीनो अदा कयो। हीउ महीनो असांजे लाइ हिकिड़े पासे तमामु वॾियूं ख़ुशियूं खणी आयो, जो हिकिड़ी पोख हुई, हिकिड़ो मौसम हो जंहिंमें नेकियुनि खे अलाह रब العالمین फ़रोग ॾिए थो, उन्हनि में इज़ाफ़ो थिए थो। अमल उहे साॻिया हूंदा आहिनि, कम उहे साॻिया हूंदा आहिनि, पर उन्हनि साॻियनि कमनि ते अजुर तमामु घणो हूंदो आहे। रोज़ो इंसान हिकिड़ी इज़ाफ़ी इबादत करे थो, नमाज़ूं माण्हू साॻियूं पढ़े थो, माण्हू वज़ू साॻिया करे थो, गुफ़्तगू साॻियूं करे थो, मामलात ज़िंदगी जा जेके इंसानु हलाए थो साॻियां हलाए थो। पर रमज़ान मुबारक जे महीने में इहे समूरा कम अजुर जे लिहाज़ खां रमज़ान खां अॻियनि कमनि खां तमामु घणा वधीक वज़न वारा थी वञनि था। सच माण्हू रमज़ान खां पहिरीं बि ॻाल्हाए थो, पर उन ते अजुर हिकिड़ो अलॻि आहे। पर रमज़ान में जेकॾहिं सच ॻाल्हाईं त उनजो अजुर ॿियो आहे। ज़िक्र इंसान रमज़ान खां अॻु में बि करे थो, पर रमज़ान जे महीने में जेकॾहिं ज़िक्र करे थो, अलाह जो नालो वठे थो, त उनजो अजुर अञा वधीक आहे। त असां सभु अॼु जेकॾहिं ते गॾु थियूं, उनजो बिल्कुलु क़ुरान पाक में जीअं वाज़े ॿुधायो वियो आहे त भले तुक मिलो इज़त भले तुकबिर जॾहिं इहो महीनो पूरो थी वञे भले तुक मिलू रविदा त भले तुकबिर अलाह त पोइ रब जी वॾाई बयानु करण जे लाइ गॾिजी पियो। अलामा हदाकुम त अलाह रबुल आलमीन तव्हांखे हिदायत ॾिनी, इहा हिदायत तव्हांखे असांजे रब काइनात अलामा हदाकुम भला अलाही रब काइनात जो शुक्र अदा कयो। त असां रमज़ान मुबारक जे पुॼाणी ते टे ॾींहं ईद जा मल्हाईंदा आहियूं, जीअं अताउर रहमान साहब पंहिंजी गुफ़्तगू में चयो त अलाह रब العالمین जे प्यारे पैगंबर आका इनामदार फरमायो त हीउ ईद जो ॾींहुं अलाह रब العالمین जे तरफ़ां मुक़ररु थियलु आहे, ख़ुशी जे लाइ आहे। त रमज़ान मुबारक जे हिन महीने में रब तौफ़ीक़ ॾिनी त रब जे दीन ते हलियासीं, रब जे दीन ते हलण जी कोशिशि कईसीं, ऐं रब काइनात जो शुक्र अदा करणु, उनजी वॾाई बयानु करण जो मक़सदु आहे। ऐं हिकिड़ी तमामु अहम ॻाल्हि मां साम्हूं चवणु चाहियां थो। पहिरीं शइ आहे की अलाह रब العالمین जेको रमज़ान जे महीने में असांखे रोज़ो फर्ज़ कयो आहे, इनखे क़ुरान पाक में सोम सॾियो वियो आहे। कुतिब अलैकुम सियाम, सोम जी जमा सियाम, त जेको रोज़ेदार रोज़ो रखंदो आहे उनखे साइम सॾियो वेंदो आहे। मौलाना फराही साहब ऐं मौलाना अमीन हसन इसराई साहब जा तफ़सीर जेकॾहिं खणी ॾिसूं असां त उन में हिन लफ़्ज़ साइम जी वज़ाहत थियलु आहे त साइम अरबी ज़बान में इस्लाम खां अॻु क़ुरान खां अॻु बि इस्तेमालु थींदड़ लफ़्ज़ आहे। ऐं साइम जो लफ़्ज़ इहे माण्हू इस्तेमालु कंदा हुआ क़दीम अरब जा माण्हू घोड़े लाइ, पर हर घोड़े लाइ न, उन घोड़े लाइ जंहिंखे हू माण्हू पंहिंजे जंगुनि में, पंहिंजे झेड़नि में, पंहिंजे फदनि में, पंहिंजनि मुक़ाबलनि में, पंहिंजनि दुश्मननि सां विढ़ण जे लाइ इश्तिहार कंदा हुआ। ऐं पोइ अरब जी सरज़मीन ते असां नज़र रखूं था त उते ॿूटा गाह कोन्हे जो घोड़ो खाए सघे, जाइ जाइ ते पाणी कोन्हे, रेगिस्तानी वारिया सां इलाइक़ा आहिनि, माण्हू पाणी घोड़े खे पीआरे सघे। अहिड़े नमूने वॾो पंधु करे वञिणो जिते खाधो मिलंदो, वरी पंधु करे मोटी अचिणो जिते खाधो मिलंदो, रस्ते में जेकॾहिं थकिजी बीही रहियो त घोड़ो पाण बि मरंदो, पंहिंजे मालिक खे मारंदो। इन करे घोड़नि खे ख़ासि तौर ते तरीबी आहे बुख जी, उञ जी, मुसलसल कम जी, जागण जी। पोइ जेके घोड़ा हिन तरबियत मां निकिरी ईंदा हुआ उन्हनि घोड़नि खे साइम सॾिबो हो, ऐं इहे घोड़ा तयारु कंदा हुआ क़दीम अरब जा माण्हू पंहिंजे दुश्मननि सां मुक़ाबले जे लाइ। अलाह तबारक व ताला इहो साॻियो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो साइम उन माण्हू जे लाइ जेको रब काइनात जी बारगाह में जा रब ते ईमान आणण खां पोइ कलमो पढ़ण खां पोइ रोज़ो थो रखे रब खे राज़ी करण जे लाइ। त सवाल इहो पैदा थियो त अलाह तबारक व ताला पोइ हुनजे लाइ इहो लफ़्ज़ छो इस्तेमालु कयो? त ॻाल्हि सम्झ में यादि थी अचे त अलाह तबारक व ताला बि जीअं क़दीम अरब जा माण्हू पंहिंजे दुश्मननि सां मुक़ाबले जे लाइ, जंगुनि जे लाइ, वेड़ुनि जे लाइ घोड़ा तयारु कंदा हुआ, अलाह तबारक व ताला पंहिंजे दीन जी हिफ़ाज़त जे लाइ, दीन जी बका जे लाइ ऐं दीन जी सरबुलंदी जे लाइ मोमिननि खे तयारु थो करे। इन करे तरबियत साॻी आहे, न बुख खां थकिजी वेही रहो, न उंझ खां थकिजी वेही रहो, ऐं न वरी निंड जो ख़ौफ़, निंड जी लज़तूं तव्हांखे इन कम खां थकाए विझनि, ऐं न तव्हां मुसलसल कमु करण खां थकिजी घर ते वेही रहो, तव्हांखे कमु मुसलसल करिणो आहे। ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेका तरबियत आहे, जी घोड़े खे तरबियत ॾिबी आहे,
त तरबियत जो मकसद ही हो तरबियत का जो कम करो उन्हें कम चलाने के तैयार कर सकते घोड़े के तरबियत इन करनी वही तो घोड़ो सुबाने दुश्मन से मुकाबले के लिए मैदान में लही सके अल्लाह तबारक व तआला टी दिन की तरबियत इन लाइन है तो ही 365 दिन में जो बाकी 365 दिन अल्लाह जा ही मुजाहिद अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की राह में जतो जेत कर इन जहाँ ईमान मजबूत होजन खन इन जज्बा जवान होजन खन ये अल्लाह की राह में निकरण वारा होजन ये अल्लाह की राह में मेहनत करने वारा होजन ये अल्लाह की राह में पंजी जान जो बाजू लगाने वारा मान होजन हाँ जो बे पहलू क्या दिसा जो पहलू अस गुफ्तगू में कचोड़ों महसूस तो थे तो उन्हें गल तो वो यू है आकाई नामदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में बैठा हुआ पान सुपरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजी जाती जिंदगी भी सच्चाई वाली जिंदगी गुजार रहा हुआ दयानतदारी वाली जिंदगी गुजार रहा हुआ इस्लाम के ऐलान का अगम नबूवत के ऐलान का अगम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक पवित्र साफ सुथरी जिंदगी हुई नेक जिंदगी हुई पर वो साजा पान सुपरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमल कुरान पाक पान सुपरन के मिले तो इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक खलक अल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम लजी अल्लम बिल कलम खुदा की मारफत के दी पान सुपरा उने गार हिरामा निकरी अचंदा जते महीनो महीनो वनी पान सुपरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाझाइंदा हुआ रब्ब कायनात की परख तलाश जुस्तजू कंदा हुआ कायनात की हकीकतों के समझना चाहिंदा हुआ कुछ जे गालन के समझना चाहिंदा हुआ मुझ जे मन समझ में अचे तो मालिक खालिक जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा का निकली आया उतर कर हिरा से सुए कोम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में यो कुरान पाक नुस्खा कीमिया हो ए यो इन करे खणी आया तो हाँ बाकी जिका जिंदगी इंसानियत जी है उन ई खा वठी कयामत ते पैदा थिंदल इंसान ये समूरे जा समूरा इंसान ने कुरान मुताबिक पंजी जिंदगी मराईदा त हाने जको पान सबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटियान गार हिरा का ही बिल्कुल हिकरी बिल्कुल तब्दील शुदा शख्सियतन जके मोटियान अगमे उए शख्सियतन जन के पंजी इबादत सा पंजी परहेजगारी सा पंजन जिक्र सा फिक्र सा गार हिरा सा ताल्लुक हो पर हाने आया नी मुआशरे में पाणो ने पकड़ जी गया हाँ मक्के की घिटन में हल्दा नजर चंदा या यो नासु कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तुफलिहू हाँ इतनी तड़प वाली जिंदगी है इतनी बेचैनी वाली जिंदगी है इतनी फिक्रमंदी वाली जिंदगी है इतनी अंदर जान जुमांद वाली जिंदगी है तो इन गुमराह इंसानियत के अल्लाह रब्बुल आलमीन के रस्ते ना मटी चुका है इनके मानन की बंदगी में कटे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में आनो है इन इंसानियत के खुदा से जोड़ो है खुदा से मिलाना है खुदा जो तारुफ उन्हें पहुंचाना है जिंदगी के मकसद का मन क्या क्या करना है ऐ वो पूरी जिंदगी पांसों ग्राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युह अल मुज़म्मिल कुम लैल इल्ला क़लीला या अय्युह अल मुद्दसिर कुम वंदर ए ओड़े वेहण वाला ए ओड़े लटण वाला कुम बिनी सूरतन में मुज़म्मिल का वो मुद्दसिर का लफ्ज कुम जो आए तो ठीक ही हो ऐ पांसों ग्राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठी बिठा एड़ा उठी बिठा जो 24 साल दे उठी बिठा वो पांसों ग्राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे तद्दे बैठे रही आराम में सुकून और निंद न कई पांसों ग्राम मुसलसल मैदान में रहया ऐ पूरी कयामत ताई जरा अहले ईमान के यो पैगाम नहीं आ तो तहां जी जिंदगी में जगने कलमो आए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहां जे समो मुहम्मद मुस्तफा जी जिंदगी दो तो पान इन दीन के लिए अल्लाह के कलमे के लिए इन कलमे के गलबे के लिए कड़ी घड़ी जो आराम में गुजारी पान सोकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केडो इजाए हो वो तकलीफ दिनी हुई पान सोकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह में कंडा बिछाया गया गंदगी बिछाई हुई वो जुड़ियों में रखी हुई तीर हलाया गया गंद शहीद कराया गया फोचू काहू कर आयो इन एक कम का रोक जरा जो मानू के अल्लाह अंदर छो दीन ना न सजो कुरान के निजाम के लिए मानों के न सजो पर पान सौ ग्राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजे ऐलान कर छो तो मुझे हिकड़े हद ते चंड ए ते सज बरगी छो तने बा हम कम खा न रखुस अब एको सवाल तो करना चाहे दोस्तन का तो आज का बीबी सुमैया रजी अल्लाह तआला अनहा है जका के गुलाम हुई जका बुढ़ी हुई अबू जहल की गुलाम हुई जे कलमो पढ़ो नबी सही ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छा वो कलमो बियो कलमो हो या जो असा कलमो पढ़ियो है वही कलमो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह हुन कलमे बीबी सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में केड़ी तब्दीली आ दी वो बुढ़ी हुई लाचार हुई मजबूर हुई गुलाम हुई खरीद गेल हुई असा मना केर खरीद गेल है असा मना केर के जो मान हुए असा सब आजाद है अल्हम्दुलिल्लाह असा अड़े माहौल में रहूं था इन के बावजूद वो बीबी सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा
चेती तो न हाने मुझी जिंदगी कलमे वाली जिंदगी हुंदी अबू जहल की गुलाम भले हो जा पर अबू जहल के बुतन की पूजा हाने आउन कर हाने अबू जहल के हम जो आका न समझन स पंजो मालिक न समझन स पंजो बोतार न समझन स पंजो वडे न समझन स हाने अबू जहल जे पगले जी मर्जी न हलदी हाने अल्लाह रब्बुल आलमीन जे काबे जी मर्जी हलदी ए कुरान पाक जी मर्जी हलदी बुद्धि कमजोर नहीं होतो जेका गुलाम हुई जिन जो कबीलो सा गले न हो खरीद के औरत हुई पर इन कलमे जो जिंदगी के अंदर रंग पैदा कयो जो ईमान पैदा कयो हो वो ईमान एडो उत्तम एडो आला ईमान हो जो आज नहीं इतनी कमजोर औरत उठी करे बिहरी चीज न हाने तुझी मर्जी न हलदी इन मथा हाने इन वजूद ते जेकर मर्जी हलदी कलमे जी मर्जी हलदी ला इलाहा इल्लल्लाह ए मोहम्मद रसूलुल्लाह जी मर्जी हलदी मर्जी असां त राज़ी थियासीं बाबा तव्हांजी मर्ज़ी हलंदी जेको वॾेरो चवंदो जेको बंगलो चवंदो जेको तव्हांजी पार्टी चवंदी असां हाणे उहे नारा विसारे छॾियासीं जेके नारा लॻंदा हुआ नारा तकबीर अल्लाहु अकबर हाणे असां वटि बंगलनि जा नारा अची विया आहिनि हाणे शख़्सियतुनि जा नारा अची विया आहिनि हाणे हाणे असांखे इलाइक़नि जा नारा अची विया हलिया आहिनि उते मके जे पूरे मुआशरे में नारो जेकॾहिं मोमिन जी ज़बान ते हूंदो त नारा तकबीर अल्लाहु अकबर हूंदो खपे त इहो जेके नारा हूंदा हुआ ईमान जा नारा हूंदा हुआ त उहा ॿुढड़ी औरत उहा चए थी त हाणे हीअ ज़िंदगी गुज़रंदी त अलाह रब्बुल आलमीन जी बंदगी में गुज़रंदी कंहिं ॿिए जी बंदगी में न गुज़रंदी हाणे जेकॾहिं हीअ ज़िंदगी गुज़रंदी त मुहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जी अताद में गुज़रंदी कंहिं ॿिए जी अताद में न गुज़रंदी हुननि ज़िंदगियुनि मां जेके बि रंग हुआ इलाइक़े जा माण्हुनि जा नज़रियनि जा फिक्र जा बुतनि जा आकाउनि जा मालिकनि जा सभु रंग लाइ फिटा करे ख़ालिस ख़ुदा जी राह में ख़ुदा जा बाना थी करे बीह रहिया दुरंगियूं ख़तमु थी वियूं हलूं यकसुई थी वेली बिल्कुलु पंहिंजो पाण खे रब राम छू करे छॾियऊं मुकमल जा मुकमल ख़ुदा रब ज़ुलजलाल रुजू करे विया ऐं पोइ वाज़े थी छॾियऊं वाज़े उन मके जे मुआशरे में जॾहिं चंद माण्हू अञा हथ जूं आङरियूं घटि निकिरा माण्हू मौजूदु हुआ हाणे मर्ज़ी हिननि इंसाननि ते हलंदी त अलाह जी मर्ज़ी हलंदी तव्हांजी मर्ज़ी न हूंदी हीउ तव्हांजो निज़ाम न हलंदो हीउ तव्हांजा खुदा किरदार न हलंदा हीउ तव्हांजी हाकमियत न हलंदी हीउ तव्हांजी बादशाहत न हलंदी हीउ तव्हांजो निज़ाम न हलंदो तव्हांखे हटाईंदासीं इस्लाम जो निज़ाम आणंदासीं इहा ई ॻाल्हि मिली सुमैया रज़ी अलाह ताला अन्हा उते कई हुआ केतिरा ॼणा चंद थोरा माण्हू हुआ हीउ जेतिरा हिते पाण वेठा आहियूं न एतिरा जेकॾहिं नबी साईं जा अगरि मके में गॾिजी पवनि त पाण सगुरा कॾहिं कोते इनकलाब आणे छॾंदा अॼु घणाई आहे पाण में ॿ अरब माण्हू मुस्लमान आहिनि थुकूं उछलाइनि न हीउ इसराइल जो मुल्क ॿुॾी वञे थो एतिरा 25 लख माण्हू नंढिड़ो हिकिड़ो इलाइक़ो आहे थुकुनि सां यहूदियुनि खे ॿोड़े सघूं था पाण एतिरी थुकूं गॾु थी सघंदियूं मुस्लमाननि जूं सवा ॿ अरब माण्हू ॿ अढाई अरब माण्हू माण्हू मामूली कोन हूंदा आहिनि पर वज़न छा आहे हैसियत छा आहे हू जेके चंद थोरा हुआ मके में केतिरा हुआ मके जे पूरे निज़ाम में थरथर मची वियो हलियो हीउ मुहम्मद जा जेके ग़ुलाम आहिनि इन्हनि ग़ुलामनि जे कदनि में काठनि में जज़्बनि में वलवलनि में हिननि जे अंदरि जेको हरारत आहे ईमान जी एॾी शदीद आहे जेकॾहिं इहे उथी बीठा हिन पूरे मके जे निज़ाम खे धोने छॾींदा धोने छॾींदा सभिनी खे गिरफ़्तार कंदा हुआ सभिनी खे ॿधींदा हुआ सभिनी जे मथां जबर कंदा हुआ सभिनी खे अलॻि अलॻि रखंदा हुआ धार धार रखंदा हुआ सभिनी खे तकलीफ़ छो हे गॾिजी पिया कमु कयो इनकलाब अची वियो कम खां हिननि खे रोकियो हुन वटि कम जा रस्ता न हूंदा कम जी आज़ादी न हूंदी हुई असां वटि कम जी आज़ादी आहे असां वटि कम जा रस्ता आहिनि असां ॿधल कोन आहियूं असां गिरफ़्तार कोन आहियूं असां मुसबिन उमेर वांगुरु तदन में वेढ़िया कोन पिया आहियूं असां पोइ जहल जे हथनि में सुमया रज़ी अलाह तआला वांगुरु संघरनि सां ॿधा कोन पिया आहियूं पर हू इन्हनि ॿधल हालतुनि जे बावजूद बि उन्हनि ईमानी जज़्बनि सां ख़ुदा जे नारे खे बुलंद करण जे लाइ ऐं निज़ाम जेको आहे ख़ुदा जे निज़ाम खे आणण जे लाइ जदोजहद कंदा पिया हुआ तूं सुमैया रज़ी अलाह ताला छा जहिड़ा बि कोशिशि करे टिनि कमनि जे लाइ कोशिशि बि करे पहिरियों कमु कहिड़ो
ज़िंदगी में जेकरे बंदगी हुंदी त अल्लाह जी बंदगी हुंदी बे खेदी बंदगी न हुंदी अताअत हुंदी त मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अताअत हुंदी अहिने ज़िंदगी में जो को रंग मुझे मथा न चढ़ंदो आ के जी अताअत के जी फरमाबरदारी के जी पोया के जी अग्या के जी बगले ते के जी चादर ते के जी दर ते हाने जी सिर न मुंदो या दुरंगी या मुनाफिकत मोमिन में मुनाफिकत न हुंदी इन मुनाफिकत के रस्तन के छजूं इन्हें छदे कर जो अल्लाह की राह में खालिस थी हल्या उदखिलो फिस्तिल में काफ पूरे का पूरा दिन में दाखिल थी हल्या आऊं जगह एक बड़ो मंजर ता के दिखारा दे करबला के मैदान में छापे छ ही करबला के मैदान में जगह 72 मानु शहीद थिया कुल 200 मानु आ बारन बा बुढड़ियों मुयूं औरतू मुयूं ही छा चवण आया छा करण आया हुआ इन्हें जो नारो हुए नारो हो तो बंदगी अल्लाह जी हुंदी अताअत मोहम्मद मुस्तफा जी हुंदी यजीद जी गुलामी के कबूल करे दुरंगी मुनाफिकत कोन कदासी अस अल्लाह जायो अताअत अल्लाह जो हुजू ऐयो ऐलान के उधान इक्तदार मा ऐवान मा यो ऐवानन मा हुकूमत मा फासिकन के फाजिर के कंधे खींची मा पकड़े उछलाए ने यजीद के इक्तदार ता अल्लाह है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के उई गालिब कदासी जी गालिब कर जो हक मोहम्मद मुस्तफा पजे उम्मत के दसे जान सा मुसा जो रस्तो तय कदासी त करबला जा होए मानो कुछ जी रहला पर उन्हें मानो ने टिन नुक्तन के टिन कमन के न छजो पहरियो कम तो बंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन जी अता मोहम्मद मुस्तफा जी दुरन जी मुनाफिकत जिंदगी में न हुंदी सच्चो कलमो पढ़े तो सच्चे कलमे जे पर सिर नहीं छंदा से जान जी परवाह न कंदा से भले कुछ बुती वने सुरखुरो ही नहीं आए कामयाबी नहीं आए तो रस्तो सा के नाय छदो ए टी गाल जतो जे अच्छा जी इन्हें यजीदन के एवान न कढना सिंह दे एले ईमान के दीनदार के ईमान इक्तदार ने पहुंचाना थे जी कुरान जो निजाम मोहम्मद मुस्तफा जो निजाम ए अल्लाह की मर्जी ने मोहम्मद मुसलमान जो मथा कायम थी सके हां ऐसा के आगे सोचनो है असन वारिस है उदी सुमया रजी अल्लाह तआला अनहा जा असन वारिस है बदर जे मैदान में शहादा जा ओहद जे मैदान जे शहादा जा फतह मक्का जा वारिस असा है बाबुल सलाम दे ला इंदर ते फौज जा असा दे वारिस है सिंध जे अंदर छा असा जे मथा वा सारी जिम्मेदारी कोन थी अचे तसा जे सिंध जे अंदर वा ताज जो निजाम के जो बोले वो फरमाबरदार जो निजाम के जो बोले ए अल्लाह जी बंदगी जो निजाम आहे या कोने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ताज आहे या कोने या इन सिंध जे अंदर सारी सुदा सागियो निजाम आहे सागिया गाच जे के बडे रन जे कदमन में किरिया पया है ए मर्जी जे के हलन थी तो बातिल जो मर्जी हलन थी तो यजीद जो निजाम जे के मौजूद है तो करबला पुकारे थो दायो किते हुसैनी जे के आहे हुसैनी मौजूद तो कोने कलमे के छो कोंदा चो वो कलमो छोकों था बुलंद कयो जको इमाम हुसैन करबला दे मैदान में बुलंद कयो तो नारा तकबीर अल्लाह हु अकबर अल्लाह जी किबला जे सामो अस हर शे पज कुर्बान करण दे ला तैयार है इने करे दिल ए ईमान जे उनन जिस्मन के ठगाइनो है जें जे इकबाल जिक्र कयो है तो फिजाए बद्र पैदा कर फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से खतार अंदर खतार में अहन मौजूदा दौर में ताले सामोरी गाल पेश किया ही हेदो वडो इसराइल जेंगे चवन था तो दुनिया की जदीद तरीन मुसलह तरीन एटमिक ताकत वाला तो वडो मुल्क है जो वडो दिफाई निजाम है जो जमल 1967 में अरब मुल्क गर्जी उनके हमलों कंदा छमुल गर्जी हमलों कंदा तो छहन मियन में उनके शिकस ले चली छहन मुल्कन की फौज के छहन मियन में शिकस ले चली उनके इलाकन ते कब्जो करे वे होलो आज उनके सामो केर थी बिठा है अज उन सामू कहो थी बिठा मिस्किन गरीब हथियार खाली खाली हथे फलस्तीन जहाँ मुजाहिद फलस्तीन जहाँ मू फलस्तीन जो अस मायरू अस भेनरू जिनके हथन में गुलेलू हैं जिनके हथन में पत्थर हैं पर ललकार कड़ी ललकार है उनकी की कातिल के कड़े नमूने बातिल के पुकार है जो असम था तो बिसाखी से जिन तंग कपी पई है वो उत राइफल खाएं बंदूक हम गोली हण अस असूँ था जो बिसाखी से बीहण जड़ो को वो वीर चे वेठो गुलेल में पत्थर भर उछले असूँ था रंगड़ा मासूम बारड़ा बांबूड़ा पाइंदा हथन में पत्थर गयो बैतुल मुकदस के नाकड़ों से चढ़ा नजर अचन पी फौज के पत्थर हणंदा जो यहूदी फौजी जो मुकाबलो करण के लिए एडी ईमानी जज्बे की जुर्रत जो इजहार करे सके तो खुदा रब्बे जुल जलाल कल सुभान ठंडे के
سبھی مسلمان کا پوچھ لو تو خدا کے نظام کے غلبے کے لیے تاکہ کہڑی موت پہ آئی تاکہ کہڑی تکلیف ہوئی جو تاکہ مسوم بار بمبڑے پاؤنڈے بار جتنے ایمان جو اظہار کر گھوم سکو فلسطین عورتوں جی نکاح بجو ہاتھ میں پتھر کھڑوں یہودی ٹینکوں کے ساموں بچوں ہتھیار بندن کے ساموں بچوں فوجوں کے ساموں سینا سہایوں بچوں تو چھا وہ عورتوں انسان نہ ہیں وہ ان گوشت جو ٹھہل نہ ہیں ان کے جسم میں یہ رت کون تو وہے جو اسان کے جسم میں رت وہے تو جگر اسان کے اندر ساجو رت ہے ساجو گوشت ہے ساجو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان ہے ساجو اللہ جو کلمہ سا پڑھندا تو اسان کی غیرت کدا ہوئی اسان جو ایمان کدا ہوئی ان جو مقابلہ یہودین سا ہے اسان جو مقابلہ لا دینن سا ہے ہتھے لادینیت ہے پاکستان کے اندر چوری ہے ہتھے ٹھگی ہے ہتھے دھاڑو ہے ہتھے پھر ہے ہتھے سفارش ہے ہتھے کرپشن ہے یہ سجو وبال اہل ایمان کے متھا ان کرے ہے جو جانبدار کردار کے اچھن کی اجازت کھانے ہتھے جہاد کرنا ہے پر وری وہنو نہ ہے پندھ پرے ہے انیا سفر جاری رکھنو ہے تھکنو نہ ہے رمضان جذبہ دینا ہے رمضان حرارت دینی ہے رمضان غیرت دینی ہے رمضان ایمان کے جگائے ہوئے تی ہی دی گزارے 365 دی انشاءاللہ وری میدان جہاد میں لگو ہن تھبینو نہ ہے جی الیکشن کے ماحول میں دی رات محنت ہوئی ساجی محنت وری جاری کرنی ہے حد بنا گیا ہے تو رہنے ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول تہاں جو سفر ہے اصل جنت جو تہاں جو سفر ہے رب جی رضا جو تہاں جو سفر ہے قبر میں جنت جے بسترن جو تہاں جو سفر ہے تہاں جے سینے میں ساہ نکل رہے ہو جے جے جنت جا فرشتہ تہاں جے لائے جنت جا کفن کھڑی چن تہاں جے لائے تہاں جی قبر میں جنت جو دریوں کھلی بھی جن یہ سبوری بشارت انہیں جے لائے جے کہ دین جی راہ میں نکرن تھا جے کہ دین جے لائے جدو جہد کرن تھا جے کہ کلمے جی سر بلندی میں پنجے چانن جا نظرانہ پیشتہ کر جن جلائے رب کائنات جو پیرو پہ کمبر ہے نامدار فرمائے تو بس قطرہ بپڑا رب کائنات کے انتہائی عزیز ہے ہکڑو وہ قطرو جو کہنے جسم من جو تیر لگے تھو تلوار لگے تھی گولی لگے تھی رت جو قطرو باہر نکلے تو وہ رت جو قطرو زمین تے کون تھو پہنچے زندگی یا سمورا گناہ معاف ہمارا جنت ہے وہ قطرو جو رب جی ڈپ کھائے خوف کھا انسان جی اکھن میں جا نکلے تو مجھا دوستو بھائی چھ مہینہ ست دن تھی ویا یہ ہتھے خالی فلسطینی انیا تائیں پانچ سرزمین کے پانچ قبضے میں رکھے ویٹا ایک انچ بھی اسرائیل قبضہ کرے کون سکو تو چھ مہینہ ست دن ہتھیار تھن میں کون تھن وچن تان سو با کتنا لاشا کھڑا پیا چہرن دے تان سو دا شہدا دے چہرن دے مسکراہٹ تو سو جنت جا راہی مسکرائندا ویندا ہیں رب جا مجاہد مسکرائندا ویندا ہیں ان کے کامیاب ملی ہوں وہ جے کہ قربان تھا وہ بھی کامیاب تھا جے کہ غازی ہیں وہ بھی کامیاب ہیں چھ مہینہ ست دن دنیا کی طاقت جکا جدید ترین ہتھیارن سے لیس ہے جے کہ امریکہ جے کہ برطانیہ جے کہ یورپی یونین مکمل فنڈز دے رہی ہے تو بابا تاں کے پھلے ختم جو تاں نالو کے رٹھن والو کونے پر چھائے انہن جے اسم انہن جے ولولن انہن جے جذبن انہن جے غیرت ایمانی انہن کے مقابلے دا بہار چھڈیو ہے ایں انہن یہودی فوجن میں ہمت کان دی تے رضا جی گھٹن میں گھڑی سکن ایں الحمدللہ چھ مہینہ ستن دن کھا پتا ڈٹھو تو دنیا جے وایو منڈل میں اکڑی وڈی تبدیلی اچھی ہوئی ہے اے وڈی تبدیلی یہ آئی ہے تو وڈے پیمانے تے مسلمان ملکن میں ایکڑو وڈو ملک ایران وہ براہ راست حملہ آور تھی ویو ہلیو ہے اسرائیل دے متھان جے کل رات تمام گھنا دے متھان ہم میزائل موکلیا تھس اے تمام گھنا دے متھان حملہ کیتا جے تل ابیب تے ونی کریا ہیں باقاعدہ اے مجھے جے کو سیکیورٹی نظام ہو میزائلن سان لگل بیس تکاشے ہوتے کری کان تھے سکی کو بمب گم دے کس کو سب ناکام تھی جائے دنیا حیران تھی ہوئی ہے ایں وجہ کے فلسطینی مجاہد واجے پہلو حملو کے چھ مہینہ ست دن اگ میں ہنن ایک توب ٹینکر بینکر سچایا وا جن کا شین دا داخل کان دے تے کہ پاڑے دے کارے پنجن معصوم ننڈن ننڈن بمن سان اج پوری دنیا میں جو اسرائیل ہتھیار کندو اج ہتھیارن تے سوال پیدا تھی ہوئے ایں جے ڈرون موکلیاں ایران ہانے خبر دی پئے تے روس یا ایران کا ڈرون وٹھی او تے استعمال کر پنج جنگ میں تو دنیا جو وایو منڈل تبدیل تھی رہیو تھو نئے کردار جو تقاضو ہے نئے ایمانی غیرت جو تقاضو ہے ہانے نون جذبن کی نون حرارت کی ضرورت ہے تھی سکے تو یا جنگ اگیاں ودھے تھی سکے تو ایران اسرائیلی جنگ
उन नहज तक पहुंचे जो पाकिस्तान थे उन में लब्बे चई लखो पति वने लो तो छापान सब उन वक्त नारा तकबीर अल्लाह हु अकबर चौदा ने जिहाद में चई शरीक थिना से कौन थिना से अज का वठी ई तब्दील थी गयो है ही रमजान जो महीनो जज्बा ईमान से बढ़ाए चुको है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के पैगाम मिली वो लियो है रियासतों मैदान में नहीं पियो हाने अग में इंफरादी इंडिविजुअल कोशिशों भी हलियो अग में हिजबुल अंसार मैदान में लछल हुई हिजबुल्ला मैदान में लछल हुई हाने ईरान मैदान में लछो पे मुसलमान मुल्क लही पियो है इंशाल्लाह तुर्की बलहंदो इंशाल्लाह उर्दू बलहंदो इंशाल्लाह शाम बलहंदो इंशाल्लाह पाकिस्तान बलहंदो ऐ तादिसन तो यहूदियन के ने वजूद के मिटा रखना से इंशाल्लाह उन्हें में वही फोट पजी वही है भाज पजी वही थम खबरों बुधाई दू तो हर घर में यहूदी निकले को एयरपोर्ट निकल डोड़े में जहाज पकड़ा बन जाए था इतने तुम जाने मौत मुकद्दर बन जाने वाली है पेरेंट ते पी ते दिसो थोड़ा पंजे जज्बन के अजमाए ते दिसो पंजे ईमानी जज्बन की हरारतन जो इजहार कर दिसो पंजो पान के अंदर की छाती पाए ते दिसो असाजे अंदर को बोलो असाजे विरसो असाजे मिलल है असाम बिलाल हबशी जा वारिस हूं अमीर हमजा जा वारिस हूं उमर फारूक जा वारिस हूं हैदर करार जा वारिस हूं असाम इमाम हुसैन जा असा वारिस हूं असाजे जिस्मल में वो कलमे वालो रक्त जोड़े थो असाजे उने रक्त जी असाके ललकार पुकार असाके पुकारे थी असाजी निंडू हाने फिटन खपन हाँ पूरे सिंध इलाकन के अंदर निकलन खपे जज्बन से वलवलन से बुधाय खपे मत ये नचे तो पुकार जो वक्त अचे ओडी मल पे पान मानू के डोरन सजाने समझा नहीं करूं ही वक्त अची है जिहाद जो ही वक्त अची है जिहाद जो हाँ हालात कें भी पासे पलटो खाई सकन था हालात कें भी पासे रुख इख्तियार कर सकन था वध में वध इहो थी सके तो आलमी जंग शुरू थी वने हली ऐं आलमी जंग कुफर ईमान जी जंग हूंदी ऐं में मुसलमान के पंहिंजो किरदार अदा करणो पवंदो इन पंजे फर्ज के लबैक चवण के लिए पंजो पान के तैयार करने की जरूरत है इन करे के शायद जो है चला लो आतिशो परतों से आप पैदा कर अजल भी काम उठे वो शबाब पैदा कर तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर जो हो सकते तो अभी इनकलाब पैदा कर तो मेरा दोस्तों इन भाइयों अजो की ईद मिलन का आम ईद मिलन कान है अजो की ईद मिलन को पैगाम खड़ी आई है वो ईद मिलन जो पैगाम यो है तो रमजान की इन बरकतों में जो असा के ईमानी नूर सुजाग थी मिलो है अंदर की गैरत जो सुजाग थी है वो हाँ सुमण न खपे असा के हाँ इनकलाब के लिए इनकलाब के लिए इनकलाब के नारन से इनकलाब की जदोजहद में जिंदगी लगन खपन जदोजहद है इनकलाब की जदोजहद है जिहाद की जदोजहद है बातिल से मुकाबले की जदोजहद है करबला के मैदान की बस मुझा दोस्तों ही बाहरों इन करे एक गाल के याद रख जो जेकरे हन जदोजहद में जान लगी वही कुर्बान थी जासी यकीन जानो कामयाब थी जासी कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुआ था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त जे तकाजाओं मुताबिक पंजे ईमान के पंजे जज्बन के संग जगाएं की तौफीक अता फरमाए अकुल कौली हाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइर मुस्लिमीन फस्तगफिरुहु इन्नहु वल गफूर रहीम।